हाय, दिस इज रणका, योर फैकल्टी ऑफ कंटेंट रीजनिंग। सो कभी भी एग्जाम में ऐसे पेपर अटेम्प्ट मत करना जिससे आपके अटेम्प्ट्स कम होने के चांसेस ज्यादा हो जाए। तो आप किस वे में पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो? क्या आपके अटेम्प्ट्स भी कम हो रहे हैं? 45-50 से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहे। सो बेस्ट अप्रोच क्या है एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करने का, सो दैट आप 70+ एटलीस्ट कर सको दोनों आरआरबी बियॉन्ड क्लियर में। अभी आप एग्जाम में भी पेपर वैसे ही अटेम्प्ट करोगे जैसे आप डेली बेसिस पे करते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी लास्ट ईयर कट ऑफ के अकॉर्डिंग अपने इस साल के अटेम्प्ट्स का टारगेट मत बनाना, क्योंकि किसी भी साल का कट ऑफ उस पर्टिकुलर ईयर के वैकेंसीज और डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर के अकॉर्डिंग ही जाता है। तो आपको इस साल का डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा वो आपको नहीं बताया, देन हाउ कैन यू डिसाइड ओवरऑल मुझे 65 करना है, क्योंकि कट ऑफ 65 गया था लास्ट ईयर, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। देन अगर रीजनिंग आता है पहले और पहला ही क्वेश्चन पजल का रहा और आप उसको ट्राई करने लगे, नहीं सॉल्व हुआ, 5 मिनट वेस्ट हो गए, देन आप कुछ और क्वेश्चन बनाते हो, इससे 20 to 25 क्वेश्चंस बने, 20 to 25 मिनट्स वहां लगे और 5 मिनट वहां वेस्ट हो गए, तो अब रहे सिर्फ 15 मिनट। तो आप जल्दी जल्दी सिंप्लीफिकेशन वगैरह कर लेते हो, 15 मिनट में फिर 15-20 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 45 to 50 से ज्यादा इस तरह से बने ही नहीं, बिकॉज पहले तो जो भी स्क्रीन पे आया आप उसको ट्राई करने लगे, है ना। एक आप अपना एक आपका टारगेट नहीं रहा कि इतने टाइम में आपको इतना करना है। सो दैट्स व्हाई जैसे ही आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे ना, वही अप्रोच एग्जाम में भी आपका रहेगा, क्योंकि वो आदत बन चुकी है। सो अपने तरीके को बदलिए और अपने टारगेट को हमेशा पूरा करने के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को इंक्रीज कीजिए। देन पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, फिर जो भी आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है, किसी का कांट होता है, किसी का रीजनिंग, वहीं से स्टार्ट करो फर्स्ट थिंग। जैसे मेरा अपने प्रिपरेशन के टाइम रीजनिंग पहले करना था, इसीलिए नहीं कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा है कि डेली बेसिस से प्रैक्टिस करोगे तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि इसमें कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे। तो मेरा टारगेट जो था वो था 20 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस रीजनिंग पहले करना, ठीक है। हालांकि कभी कभी नहीं बनते थे, बट कभी कभी क्लर्क के पेपर में बन जाते थे। और हाँ, पीओ में भी क्योंकि सेम टारगेट था, पहले रीजनिंग करूं और 20 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस, तो 40 तो बनना मुश्किल था पीओ में। सो 34-35 तक पहुंच जाती थी, बिकॉज मैंने अपने टारगेट को हमेशा याद रखा। और हाँ, पहले ज्यादातर मिसलेनियस से स्टार्ट करना था, बट अगर पजल आ भी जाए देन ये बनेगा कि नहीं वो देखना था, क्योंकि हमेशा मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपकी इतनी प्रैक्टिस घर पे होनी चाहिए कि एग्जाम में जाके ये सोचना ना पड़े कि ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, ये पता लग जाना चाहिए क्वेश्चन देखते ही। सो रीजनिंग में 20 मिनट्स में 35 to 40, यो वो तो 35, क्लर्क में 40 का टारगेट लेके चलो, ठीक है। देन जैसे ही 20 मिनट्स खत्म हो, स्विच टू क्वांट। चाहे 20 मिनट्स में जितने भी क्वेश्चन बने, टाइम का भी ध्यान में रखना है आपको। देन अगले 15 मिनट में क्वांट के 20 to 25 क्वेश्चन, क्या क्या? सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और डीएफ। 20 to 25 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, इनफैक्ट 25 to 30 भी मिल सकते हैं, बिकॉज अरिथमेटिक सिर्फ 10-15 ही आएंगे, 20 होने के चांसेस बहुत कम। सो अगर 25 ना भी बने डीआई लेंदी होने के कारण, तो 20 तो बन ही जाएंगे इन तीनों के, सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन आए तो। और अभी भी आपके पास 10 मिनट है और अभी 60 to 65 क्वेश्चन बन गए हैं, और बाकी के इन 10 मिनट में डीआई होगा या कोई पजल रह गया है बाकी तो उसको कर लेना, और थोड़ा बहुत अरिथमेटिक, इन सबको मिला के 8-10 क्वेश्चंस बन जाएंगे। इनफैक्ट इससे ज्यादा ही बनेंगे अगर आप डेली बेसिस पे इस टारगेट से प्रैक्टिस करते हो। सो आराम से 70+ तो बन ही जाएंगे, और क्लर्क में 80 के आसपास तक भी आप कर सकते हो ये टारगेट लेके डेली बेसिस से प्रैक्टिस कर रहे हो तो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसके अलावा कोई और डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।